हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द डागर फैमिली पे स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं गूंद के लड्डू। तो मेरी मौसी ने आज गाजर का हलवा बनाया था, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम बनाने वाले हैं गूंद के लड्डू। तो अभी मेरी मम्मी ऊपर हैं, सब कुछ सामान की तैयारी हो चुकी है। हमने ड्राई फ्रूट का फ्रूट काट लिए और मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए थे मम्मी से, मैं खा रहा हूँ। तो अब मम्मी से चलते हैं ऊपर, देखते हैं मम्मी ने बनाना चालू करा कि नहीं करा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। आ यार खा लीजिए, किसी को खाना है तो खाए, नहीं खाना है तो नहीं खाए। तुमको खाना है, इसने मुंह में दही जमा रखी है, नहीं हमको खाना है तो खा लीजिए। अभी कैसे खा ले, बढ़िया है ना तेरा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पहले इसे पका, ऐसे पका तो रहे हैं दीदी, आग नहीं जल रही। अच्छा, हाँ जी खा रहे हो? हाँ तो मैं सिखा रही हूँ कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं। हमको आता नहीं ना, हमको आता है, हम 1 मिलियन फॉलोवर है हमारे चैनल पे, 1 मिलियन फॉलोवर। गजब बेइज्जती है। देखा है हमारा चैनल किसी ने? ना ही देखत बा। ये चैनल देखियो भी ना भाई, ये चैनल देख के क्या करोगे? कमरे में का है इसके चैनल में तो बतेरे, इसके 1 मिलियन फॉलोवर है। हाँ, तो क्यों तुम क्यों देखो भाई, तुम मेरा देख लो। किसी का दिल करेगा तो देखेगा, ना ही दिल करेगा तो हम का हाथ पकड़ के दिखाएगा। ये भी तो किधर नहीं। कितनी देर में बना के निमटेगी? अब ही लगेंगे 2 घंटा। 2 घंटे ऐसे कसीदा निकालना है हमें, कसीदा। फिर क्या करना आपको, क्या बनाना? गूंद खालना है। आप चाहे गूंद खा लो चाहे ना खा लो। ओके, ड्राई फ्रूट। अबे तो दीदी टाइम लगेगी क्या? ये ना दोस्तों, बाहर ढोल बज रहा है, शायद किसी की बारात जा रही है। और शाम का व्यू बहुत अच्छा है। अब पता नहीं इसका ये गाजर पाक कब बनेगा, फिर मैं बनाऊंगी गूंद। देखते हैं, अगर टाइम बचा तो शाम की रोटियां इससे बनेगी, और अगर हो गया अंधेरा तो फिर मुश्किल है। अच्छा, फिर आप रिंग लाइट जला दोगे यहाँ पर? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। रिंग लाइट भूल गई मैं, चार्ज ना। तो मतलब दुनिया रिंग लाइट का इस्तेमाल अपनी वीडियो बनाने के लिए करती है, और आप रिंग लाइट का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। वाह जी वाह, बेस्ट यूट्यूबर का यही तो फायदा होता है। ये आ गई हमारी छबू। छबू क्या कर रही है बेटी? भाई हमारी छत में ना तारों का बड़ा बड़ा जंजाल है। छबू क्या कर रहा है? बाजरा रख रहा है। किसके लिए? और चिड़िया खा गई तो? चिड़िया खा गई तो खाए। और आपने और क्या रखा है? पानी रखा है। वाह जी वाह, वेरी गुड भाई। भाई सबको अपनी छतों पर दाने और पानी ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जो भूखे प्यासे पक्षी हैं वो आके पी सके। छबू आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो भाई। पहले पापा बस पानी पानी रखते थे, अब पहले फिर नहीं रखते थे। अच्छा, आप तो बाजरा भी ले आई? बाजरा कहाँ से लेके आई बच्चा तू? नीचे है बहुत सारा। अच्छा, बाजरा नीचे है बहुत सारा। वेरी गुड भाई, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है। चलो भाई, अब ये देखो गाजर पाक कितना टेस्टी हो गया।
ऊपर आ लिया घी बिल्कुल। इसमें 4 किलो दूध और 4 ही किलो गाजर होगी। इसमें चीनी डल चुकी है, तो बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, मतलब काफ़ी और पकाएंगे। अभी तो काफ़ी पके। ड्राई फ्रूट काट के रख रखे हैं, वो रखे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा अभी बन रहा है गाजर पाक, और फिर थोड़ी देर लगेगी, फिर बनाऊंगी मैं गूंद। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे आटा लगाना है। आटा लगा के मैं ऊपर लेके जाऊंगी, और चटनी बनी हुई है तो आज हम चटनी रोटी खाएंगे। तो अभी मैं फटाफट लगा देती हूँ आटा और फिर जाएंगे ऊपर। पहले बनाएंगे गूंद और उसकी सारी प्रिपरेशन मैं कराई हूँ। आटा ऊपर रखाई हूँ, घी और चीनी मुझे लेके जानी है, और ड्राई फ्रूट्स मैं आपके सामने कटिंग करके रख के आ चुकी हूँ। तो फटाफट आटा लगा के ऊपर जाके गूंद बनाते हैं और फिर बनाएंगे गर्मा गर्म चूल्हे पर रोटियाँ। चूल्हे की रोटी ना बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहीं पर ही छत पे बैठ के गर्मा गर्म खाएंगे, और वहीं पर ही फिर आपसे आगे और बातें करते हैं। तो उसके लिए मैं अभी लगा रही थी फटाफट आटा। उसी अभी तक नहीं बना ना रे बेटा, ये रिंग लाइट भी लगा ली हमने, देखो कितना टेस्टी है, कितना टेस्टी होना है। टेस्टी तो बेटा खाए बात से पता चलेगा। मम्मी पूछ गई, ये देखिए दोस्तों हमने ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए थे और बिल्कुल पानी सुखा दिया हमने, और इवनाइन की बर्फी कट जाएगी बहुत बढ़िया वाली, जबरदस्त। धुआं धुआं सा आ रहा होगा स्क्रीन पर, क्योंकि वहाँ पर उतर लग रही है, और ये बताइए चूल्हे पे है, पूरा पानी सुखा देंगे इसका। चीनी वीनी की भी जो पाची हो वह भी सूखगी, और बस बनन वाला ये है। तो फिर इसके बाद डालूंगी मैं गूंद। आज तो ही ना मैं 3 बजे के चूल्हे पर तो उठन नहीं दियो। हम रोटी बनेगी बेटा, रोटी तो गैस पे बनाएंगे, गैस पे ये, और 2 बजे जाएंगे। गोलू के खान लग रही गुल तोला के खाओ गोलू, भाई साथ दे दे थोड़ा सा, थोड़ा सा तो दे दे। ये देखो भाई, देखो भाई, इसने देखो भाई, मैं थोड़ा सा मांगा कर 3 दाने दिए हैं भाई इसने, बेकार में। गोलू कितना खाएगी? छवि का भी आधा, छवि का तो मैं, ये गाजर पाक हो गया भाई, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन के तारन लग रही बस। अब आप सब उधर गया, ये रखी कढ़ाई, वो रखा आटा, अब आप आना चूल्हे पे। उधर है गूंद का पैकेट, ये रहा घी, और वो रहे ड्राई फ्रूट, मतलब गूंद का सारी चीज है। और ये रहा ये मैं। इसका गंदा गूंद। अब ये गाजर का हलवा पूरा तैयार हो चुका है, अब हम इसको चूल्हे पे से उतारेंगे। और ये हमने घी निकाला, देखो कि कैसे एकदम कैसे निकला, ये एकदम पूरा इसकी शेप का निकला है। एक पैकेट घी डलेगा तो अभी जाएगा, ये गया कढ़ाई पे चूल्हे पे। इतना सारा घी वो निकलवा दे उसमें, परात में ले निकालू रे, इतना ही इतना जीता है। मैं देखो दोस्तों हमने डाल दिया है एक पूरा का पूरा 1 किलो घी, और अब ये घी हमने मेल्ट होना रख दिया है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा, बेसन जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप आटा डालोगे? डालूंगी मैं आटा डालूंगी। आटा ही डले कर रहे धुंध में ना, बेसन भी कुछ लोग डाल देते हैं। बेसन नहीं डले कर रहे क्यों नहीं डलता? बेसन, बेसन तो बहुत गर्म, और गूंद भी बहुत गर्म हो गया।
तब की तासीर सेट करन थी आटा डल कर मौसी अब इनकी परखो अब भरी डाल दिया अब इनकी बर्फी बनाओगे बर्फी बनेगी भाई सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग इसके कटेगा केक बनके सब्सक्राइबर आ गया परी के बर्थडे पे यही बनाएंगे सब्सक्राइबर यारा ना काट दिया वन के सब्सक्राइबर का 1 मिलियन का कटेगा हर काल है मिलियन हो जाएंगे मेरे ओ भाई ऑलमोस्ट ये व्यू आ गया मेरे चैनल पे आधा हो गया मेल्ट लॉन्ग वीडियो पे बस कॉपीराइट ना उस पे आई दे दे कॉपीराइट कौन है मेरे बर्थडे वीडियो पे अब ये हमारा पूरा घी पूरा मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे घी पिघल चुका है अरे भी इसमें लगा आटा अभी मजा आएगा ना भिड़ो आटा 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 ये होगा आटा डालेगा आटा चाहिए हमें इतना इतना एक, क्या एक किलो घी में 2 किलो आटा डबल अब तो हमें वैसे तोला नहीं है वैसे देख लेंगे घी के हिसाब से डाल देंगे पता चल जाएगा थोड़ा पतला पतला रखना है इसको ना और ना पड़े बस इतना ही ठीक है अब इसको कितनी देर तक चलाना है इसको पकाना है जब तक खुशबू नहीं आ जाती ना जैसे हलवा बनाते हैं हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तब लग जैसे हलवा बनाते हैं फिर इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट नहीं गूंद डलेगा पहले गूंद डलेगा तेरी तरफ तो साइड मत कर ये गई चीनी ये हम इसमें से खुशबू आने लग गई तो हमने चीनी डाल दी पक गया था आटा बिल्कुल अब हम डालेंगे इसमें ये गूंद दिखाना अंकल दिखाना एक बार इसको देखो ये चिपचिपा है ये गूंद गूंद बेटा ऐसा ही होता है जैसे गूंद कॉपी को चिपकाता है ना पहले पूछ रहे तेरी मम्मी से हम खा करते हम तो नीम का भी खा करते गूंद नीम का इनसे निकलता है बेटा ये नीम का भी गोंद खाया करते हम खाने एडिबल है मतलब खाने वाली चीज है ऐसा नहीं है इस पर सरस से हां सरस पे सिस्टम पे अरे इतना गोंद खा सफेदिया पे दांत चिपक रहा है कैसे बेटा जैसे गोंद चिपकाती है ना कापी वापी को ये गोंद हड्डियों को मजबूती देता है अगर कोई ज्वाइंट पेन वेन हो रहा हो किसी को तो ये उसमें रिलीफ देता है तो फिर आप नीम वीम की गोंद कैसे खाते थे नीम नीम की गूंद नेचुरल गूंद होता है फिर कुछ तोड़ते भी तो हो गए अरे वो के छालों पे लगा रहता था छालों पे निकल आता है ऐसे निकल आता है अच्छा अपने आप लिक्विड से कुछ हां निकल आता है उसका है फिर वो जम वो लिक्विड स्टेट में वो जम जाता है फिर हां वो वैसे लिक्विड लिक्विड भाई भी जमा लो हां वो लिक्विड भाई भी टेस्टी होता है वो छोटे-मोटे बन जा रहे थे इतना मोटा तो चिपका दिया करते हैं टेस्टी भी होता है कुछ वो गल्ले बन जा रहे थे घना मजा आ मान जा गुरु टेस्टी कॉपी किताब हम एलोवेरा जेल तक भी चिपकाया करते हैं इससे डल गया गूंद अब ये फूलने लग जाएगा टेस्टी भी लगता था वो और हां इसका कोई टेस्ट ही नहीं गूंद का ये भी देख ये फूलन लग गया ना ये लग गया ये फूलन ये पपोले फूल गए हां फूल गए हां फूलने लग गए तो कितना क्यूट सा है मम्मी अब ऐसे पॉप पॉप साउंड करेंगे पॉप पॉप करने तो लग रहे बन गए ये पॉपकॉर्न बन गए पॉपकॉर्न देखो अब ज्यादा हो गया ना अब इसको हम एक दो मिनट थोड़ा सा ना फोड़ देंगे अब इसको हम एक दो मिनट करेंगे अरे मरी रे ये फूल गए हमने उतार दिया इसको ये देखो पापा सबसे मोटा ये बन गया भाई इसमें ड्राई फ्रूट्स पहले भी डाल सको हो ये गोंद गान डालन के पहले बाद में भी मिक्स ही करने हैं बस आपसे बन गए गोंद खाओ ना वो जा चिपक गई मेरे मैशर दो ले थोड़ा थोड़ा साफ है ना ये तो चौस में क्या है मोर में लकड़ जाना प्रात भरा अब ये तो टेस्टी लग रहा बहुत ज्यादा देख साउंड देख फूटन किया हुआ है ना हां नहीं
की बोलती टेस्टी है। थोड़ा थोड़ा फोड़ देंगे इसको, बस ज्यादा नहीं। ये बन गया हमारा टेस्टी एंड हेल्दी गोंद। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। देखिए कितना इजी होता है ये चीज़ें बनाना, पर बनाते टाइम ना नानी याद आ जाती है, इतना टाइम लग गया। मैं लगी थी 3 बजे लगी थी और अभी रात के बज चुके, कितने बज चुके हैं, टाइम कितना हो गया, 7:30 7:30 हो चुके। अरे ये लड़की को इसको टाइम नहीं देखना था, 11वीं क्लास में किसने कर दिया या तो